हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। ये है SA20 का गेम, MI केप टाउन वर्सेस सनराइजर्स ईस्टर्न केप। और इस फैंटेसी प्रीव्यू में हम देखेंगे कौन बनते हैं हमारे टॉपिक्स, डिफरेंशियल ऑप्शंस, कैप्टनसी चॉइसेस, और आपके लिए लेकर आए हैं कुछ स्पेशल, वो भी आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो के प्रायोजक हैं फैंटेसी अखाड़ा, फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना, पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बात करें दोस्तों इस गेम की, तो सनराइजर्स ईस्टर्न केप अपना पहला गेम तो वॉशआउट करा लिया था, बट पिछला गेम भी अपना हार गए और फिलहाल टेबल में फोर्थ पोजीशन पर हैं। डर्बन सुपर जायंट्स के सामने 35 रन से ये हार गए थे। सामने जब आए थे बैटिंग करने तो उन्होंने बनाए 225 रन डर्बन ने, जहां पर डैनियल वॉरन ने 2 विकेट चटकाए। जब इनकी बैटिंग आई तो स्टब्स और एबल ने काफी कोशिश करी कि स्कोरबोर्ड को बढ़ा पाए, बट इन दी एंड दे कुड मेक ओनली 190। MI केप टाउन की बात करें तो अपना ओपनिंग गेम ये भी हार गए थे डर्बन सुपर जायंट के सामने और फिलहाल है टेबल में थर्ड पोजीशन पे, बट पिछला गेम अपना ये जीत कर आ रहे हैं अगेंस्ट द जोबर्ग सुपर किंग्स। जम के रन बनाए, रिकल्टन ने 98 बनाए, वैंडरडसन ने सेंचुरी मारी, और फिर जब बॉलिंग का मौका आया तो जॉर्ज लिंडे, ऑली स्टोन दोनों ने लिए हैं 2-2 विकेट। व्यू स्पोर्ट की टीम आपके लिए रेडी है ताकि आपको इस गेम में हेल्प कर पाए अपनी पढ़ाई करने। बात करते हैं दोनों टीम्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो सबसे पहले बात करते हैं MI केप टाउन की। इनकी प्लेइंग 11 आपके सामने है और कोई भी चेंज यहां पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। वैंडरडसन, रिकल्टन सबकी नजरों में रहेंगे फिर से, इनकी ओनरशिप इस गेम में फिर से बढ़ जाएगी। हम तो मैच नंबर 1 से कह रहे हैं कि रिकल्टन काफी अंडर द रडार जा रहे हैं, डोमेस्टिक फॉर्म इनका काफी तगड़ा था, इनको इग्नोर मत करिएगा। बात करें सनराइजर्स ईस्टर्न केप की, तो इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 भी आपके सामने है। पिछले गेम में हमने देखा था बैट्समैन आए थे डेथ में बॉलिंग करने के लिए, 20th ओवर भी डाला बट अनफॉर्चुनेटली विकेटलेस गए। यहाँ पर कोई चेंजेस अगेन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, शायद डेविड मलान आ जाए तो एक और बात है, अदरवाइज ये लाइनअप ऐसी ही रहेगी। माकरम करेंगे इनकी कप्तानी और रोजिंग करेंगे यहाँ पर विकेट की भी। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं वेन्यू की। न्यूलैंड्स केप टाउन में ये मैच होने वाला है। पिछले 5 गेम जो यहाँ पर हुए 2023 में हुए थे, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पर था 150 का। एक ट्रेंड जो यहाँ पर देखने को मिला है वो है कि टीम चेस करते हुए पिछले 5 में से 4 बार यहाँ पर जीती है, तो चेस वाली ट्रेंड यहाँ पर काफी देखी जा रही है। तो पेस वर्सेस स्पिन में अगर आप देखोगे तो पेसर्स को हल्का सा मदद है यहाँ पर, बट हम ये नहीं कहेंगे कि ये पेस डोमिनेटिंग या स्पिन अनफ्रेंडली विकेट है। मामला बराबरी का है, न्यूट्रल विकेट आप इसको मान के चल सकते हो। देखते हैं अब इन प्लेयर्स के T20 के रिकॉर्ड 2023 ऑनवर्ड। सबसे पहले शुरुआत करते हैं MI केप टाउन की, और यहाँ पर 3 बैटर्स की तरफ आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1 पर आते हैं लियाम लिविंगस्टोन, 33 इनिंग में बना चुके हैं 881 रन, एवरेज है 26.7 का। ये वो प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आएंगे, क्विक फायर 30-40-50 आपको दे सकते हैं। सेकेंड प्लेयर जिन पर नजर रखनी है वो है रैसी वैंडरडसन, पिछले गेम में सेंचुरी तो मारी बट 26 इनिंग में 662 रन है इनके नाम, एवरेज अभी भी 27.58 का है, बट इस दरमियान 250 भी इन्होंने स्कोर करी है। तो वैंडरडसन ओपन करेंगे इनिंग्स को अलॉन्ग विद हिज पार्टनर रायन रिकल्टन, जिन पे भी नजर बनाए रखनी है इस साल 2023 ऑनवर्ड्स। रादर 9 इनिंग में 331 रन है, 36.78 का एवरेज, जिसमें हाईएस्ट स्कोर इनका 98 का है जो पिछले गेम में ही आया था। MI की तरफ से ये 3 बैटर्स है जिनपे थोड़ी सी आप नजर बनाए रखना। इनके बोलर्स की बात करें तो कगिसो रबाडा 21 इनिंग में ले चुके हैं 29 विकेट, इनका स्ट्राइक रेट है 16.1 का जो काफी इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज लिंडे की बात करें तो एक हटके पिक हो सकते हैं आपके लिए, 33 इनिंग्स में ले चुके हैं 26 विकेट, पिछले गेम में भी 2 विकेट लिए थे। अनफॉर्चुनेटली था कि इनकी बॉलिंग में शायद एक कैच ड्रॉप हुआ था, बट अगेन एक अंडर द रडार प्लेयर है जो आपके लिए एक बढ़िया डिफरेंशियल साबित हो सकता है। बात करते हैं हम सनराइजर्स ईस्टर्न केप की, तो इनके लिए एडन माकरम लीडिंग रन गेटर रहे T20s में 2023 ऑनवर्ड्स। इनकी जो स्क्वाड की बात करें हम, 34 इनिंग में 882 रन है इनके नाम, एवरेज 30 के ऊपर का है, जिसमें 250 और 100 शामिल। एडम रॉजिंगटन की बात करें तो 29 इनिंग्स में 647 रन है इनके नाम, और टॉम एबल के नाम है 24 इनिंग में 521 रन। ये 3 प्लेयर पे जरूर नजर बनाए रखिएगा। ट्रिस्टन स्टब्स भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिए, इन्होंने 22 की एवरेज रही है, पिछले गेम में एक फाइटिंग इन्होंने 50 मारी थी, पर उम्मीद करते हैं वो सेम ट्रेंड को यहां पर भी कंटिन्यू कर पाए, तब बनेगी बात। बात करें इनके बोलर्स की तो मार्को यानसन पे नजर बनाए रखना, 29 इनिंग्स में ये ले चुके हैं 31 विकेट, स्ट्राइक रेट है 19.4 का। वॉरल की बात करें तो 9 इनिंग में 13 विकेट है इनके नाम, स्ट्राइक रेट 14.8 का, और बैटमैन भी 7 इनिंग में 12 विकेट ले चुके हैं, स्ट्राइक रेट है इनका 12 का। पिछले गेम में बैटमैन काफी अनलकी रहे थे कि विकेट नहीं मिली, डेथ ओवर्स में करने आए थे, सबने सोचा था कि वहां पर विकेट आएगी बट अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं मिली, बट आप निराश मत होइएगा, बैटमैन क्वालिटी बॉलर है, यहां पर फिर से विकेट आप और नंबर आपके सामने है, राइट, फिर से यहां पर मौका मिला तो विकेट ले सकते हैं, ये पूरी पूरी इनके पास एबिलिटी है।
तो चलते हैं दोस्तों, बनाते हैं अपनी बेस्ट टीम फैंटेसी अखाड़ा पे, और ये वही प्लेटफॉर्म है जहां पर है कमीशन काफी कम। ये जो कमीशन के पैसे आप बचाते हो ये एज गुड एज है आपकी विनिंग्स, और इस पैसे से आप और भी खेल सकते हो, या कुछ नहीं तो इस पैसे को आप घर लेके जा सकते हो। क्यों एक्स्ट्रा कमीशन देना? सबसे लोएस्ट कमीशन अवेलेबल है फैंटेसी अखाड़ा पे, और यहीं पर आपको गिव अवेज मिलते रहते हैं, कुछ और स्पेशल ऑफर्स हम लेके आते हैं। तो भूलिएगा नहीं, फैंटेसी अखाड़ा को फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी है, और फैंटेसी अखाड़ा को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। यहीं पर आपको मिलेंगी कुछ ऐसी चीजें और ऑफर्स जो आपको बाकी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। कंपटीशन भी लो है और कमीशन भी बहुत लो है। तो चलते हैं बनाते हैं अपनी बेस टीम। सबसे पहले शुरुआत करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से। यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक है हमारे लिए रायन रिकर्टन, बैक टू बैक बड़े स्कोर करके आ रहे हैं। पहली गेम में 87 बनाया था डरबन के सामने, और तभी भी हमने कहा था ये अंडर द रडार है प्लेयर। उस गेम में आपके पास विकेट कीपिंग में क्विंटन डिकॉक, पूरन, क्लासन सारे थे, बट हमने बोला था कि रायन रिकर्टन को इग्नोर मत कीजिएगा, और बना गए वो 87 रन। पिछले गेम में जोबर्ग सुपर किंग्स ने हमने बनाए 98 रन, और एक बढ़िया स्टार्ट मिली है इनको इस साल की एस ए टी ट्वेंटी सीजन में। इस वेन्यू के नंबर्स अगर आप इनके देखोगे तो बैटिंग फर्स्ट 3 इनिंग में 101 रन है, चेस करते हुए 6 इनिंग में 116 रन एवरेज है, बैटिंग फर्स्ट 33.67 का, जबकि बैटिंग सेकंड का इनका एवरेज है 19.33 का। अगेन रिकर्टन पहली दोनों इनिंग्स में अच्छा कर गए हैं। काफी लोग अब सोचेंगे कि ये तो हर गेम में मारेगा, ऐसा नहीं होता है, लॉ ऑफ एवरेजेस कहीं ना कहीं आएंगे, बट हमारा अब भी विश्वास है कि अमंग्स जो ऑप्शंस अवेलेबल है विकेट कीपिंग सेक्शन में, वहां पर रिकर्टन एक अच्छे खासे डिसेंट पिक है। चलते हैं बैटिंग सेक्शन में, यहां पर हम पिक करते हुए चलेंगे दो प्लेयर्स को। सबसे पहले रैसी वैंडरडसन, जो कि पिछले गेम में एक सेंचुरी मारकर आ रहे हैं जोबर्ग सुपर किंग्स के सामने, बनाए थे 104। पिछले साल एमआई केप टाउन के लीडिंग रन कटर थे ये, 243 रन बनाए थे, और T20 23 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था वहां पर भी 200 स्कोर करे थे, जम के रन बनाए थे। आप देखोगे इनके नंबर्स इस वेन्यू के तो काफी तगड़े हैं ऑलरेडी। जब ये बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो 8 इनिंग में 224 रन बना चुके हैं, एवरेज 32 का, और यही एवरेज चेस करते हुए हो जाता है 48.5 का, 10 इनिंग में 291 रन जिसमें 350 शामिल है, और आपने इनको पक्का बैट करना है। इनके मैचअप्स की बात करें वर्सेस डिफरेंट बोलिंग टाइप्स इन T20s सिंस 2023, लेफ्ट आर्म पेस के सामने 15 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं, 31.7 का एवरेज है, बट स्ट्रगल आती है ऑर्थोडॉक्स स्पिन पे, जो लेफ्ट आर्म स्पिन है 14 इनिंग में 3 बार लेफ्ट आर्म स्पिन पे आउट हुए हैं, 21 का एवरेज है, और सामने कौन होंगे? सामने होंगे लियाम डॉसन। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ऑफ स्पिन पे 13 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं, लेग स्पिन पे 6 इनिंग में 2 बार। तो ये वैंडरडसन के साथ आपको इंश्योरेंस होगा, आपकी टीम में पक्का रहेंगे। और ध्यान रखिएगा, हम एमआई केप टाउन के दोनों ओपनर्स को लेकर जा रहे हैं, हमारी ही थ्योरी होती है कि दोनों ओपनर्स अक्सर साथ में नहीं चलते हैं, बट यहाँ पर बिकॉज दोनों क्वालिटी बैटर्स हैं हम इनको बैक करके चलेंगे, और उम्मीद करेंगे कि ये दोनों बैटर्स फिर से चल जाएं, और जैसे पिछले गेम में एक ने 98 मारे एक ने 104 बनाए, वही सेम चीज और सेम ट्रेंड हम यहाँ पर उम्मीद करें। सेकेंड बैटर जो हमारी टीम का हिस्सा रहेंगे वो है टॉम एबल। पिछले गेम में अच्छी खासी 65 रन की पारी खेली डरबन के सामने, नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे, और इन्होंने 100 जो लास्ट ईयर हुआ था 100 उसमें दिखाया था टुवर्ड्स द एंड कि कैसे ये क्विक रन बना सकते हैं। 100 T20 तब तक खेल चुके हैं जिसमें से 11 बार 50 स्कोर करी है, एक बार सेंचुरी भी स्कोर करी है, और पिछले साल भी एक गेम खेलने का मौका मिला था इनको जहां पर प्रिटोरिया कैपिटल्स के सामने 40 पर नाबाद रहे थे। उम्मीद करेंगे ये कि केप टाउन के इस ग्राउंड पे अपना जो लास्ट गेम का परफॉर्मेंस है वो रेप्लीकेट कर पाए और आपकी फैंटेसी टीम में 4 चांद लगा दें। इनके अलावा दोस्तों फिलहाल बैटिंग सेक्शन में हम किसी को टच नहीं करेंगे, हमारी बेस टीम का जो हिस्सा होंगे देखते हैं क्या कुछ सिनेरियो वाइज एनालिसिस में हमारी टीम में आ सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अब अपने ऑलराउंडर सेक्शन में, और यहाँ पर कुछ प्लेयर्स हैं जो मस्ट हैव हैं। नंबर 1 पर आते हैं मार्को यानसेन, बॉलिंग बैटिंग दोनों से आपको वैल्यू दे सकते हैं। बॉलिंग इनकी आई तो डेथ में बॉलिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, इनफैक्ट ये हर फेज में बॉलिंग करते हैं, पर डेथ की वैल्यू काफी ज्यादा है। पिछले गेम में डरबन के सामने इनको एक विकेट मिला था, थोड़े से एक्सपेंसिव रहे थे, बट फाइनली इन्होंने एक विकेट चटकाई, और पूरन के साथ हाथों धुलाई इनकी जरूर हुई, बट अच्छी खासी बॉलिंग इन्होंने करी थी। अगर आप देखोगे इनके हेड टू हेड नंबर्स तो बैटिंग करते हुए 2 इनिंग में 82 रन बनाए, और एक 50 भी इनकी आई है अगेंस्ट एमआई केप टाउन। अगर आप देखोगे एमआई केप टाउन के बैटर्स लेफ्ट आर्म पेस पे स्ट्रगल करते हैं। सैम करन की बात करूं मैं तो 27 इनिंग में 8 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, एवरेज है 18.25 का। वैंडरडसन 15 इनिंग में 3 बार, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा, रिकर्टन 8 इनिंग में 3 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, एवरेज है 23.67 का, एंड लियाम लिविंगस्टोन 14 इनिंग में 3 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, एवरेज है 33.67 का। मार्को यानसेन एक मस्ट हैव पिक हो जाएंगे हमारी फैंटेसी टीम में। इन्हीं के साथ होंगे इनके कप्तान एडन माकरम, जो कि डर्बन के सामने 29 रन बनाकर आ रहे हैं। लग रहा था कि बड़ा स्कोर ये खड़ा कर देंगे फिर से, बट जेजे स्मर्ट्स के सामने ये आउट हो गए। वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर्स हैं ये व्हाइट बॉल क्रिकेट के, और आप देखोगे लास्ट सीजन भी 3rd हाईएस्ट रन स्कोरर थे ये एसए 20 के, 366 रन बनाए थे जिसमें एक सेंचुरी एक हाफ सेंचुरी शामिल थी। हेड टू हेड नंबर्स अगर आप देखोगे तो एमआई केप टाउन के सामने ये बना चुके हैं 2 इनिंग में 62 रन, और इनका एवरेज है 31 का जिसमें 150 इनकी आई। इनके मैचअप्स अगर हम देखें वर्सेस डिफरेंट बोलिंग टाइप तो लेफ्ट आर्म स्पिन पे स्ट्रगल थोड़ा सा रहा है, 18 इनिंग में 7 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म स्पिन पे, एवरेज है 10.3 का, और सामने कौन होंगे? सामने होंगे जॉर्ज लिंडे।
इनके अलावा आप देखोगे तो लेग स्पिन के सामने 14 इनिंग में 5 बार आउट हुए हैं, एवरेज है 30 का, और बाकी कोई ऐसा स्ट्रगल एडन माकरम का देखा नहीं गया। थर्ड ऑलराउंडर जो हमारी टीम में पक्का रहेंगे वो है लियाम लिविंगस्टोन, जिनकी वैल्यू बैटिंग बोलिंग दोनों के साथ है। डर्बन सुपर जायंट्स के सामने 25 बनाया था और लास्ट गेम में जोबर्ग सुपर किंग्स के सामने केवल 12 रन ही बना पाए, बट दोनों गेम में एक एक विकेट जरूर पिक करा। और मिडिल ऑर्डर्स में जो आते हैं ये वहां पर काफी डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। हमने वेस्ट इंडीज वाली T20s में भी देखा था जब इंग्लैंड के लिए खेल रहे थे कि कैसे मिडिल ऑर्डर्स में आके क्विक फायर 30 40 50 बना सकते हैं। तो इन फॉर्म बैटर हैं, अगर आप देखोगे लास्ट सीजन भी इन्होंने अच्छे खासे रन बनाए थे आईपीएल में जब खेला था, एंड इनके वेन्यू के नंबर्स भी आप देखोगे तो काफी अच्छे हैं, मजेदार हैं, एंड वहां पर हम इनको बैक करते हुए चलेंगे। बैटिंग फर्स्ट इस वेन्यू पर 3 इनिंग में 100 रन बना चुके हैं, एवरेज 33 का, पर यही चेस करते हुए नंबर 3 इनिंग में केवल 37 रन का है जहां पर एवरेज 12.33। बट हमारे लिए लियाम लिविंगस्टोन की वैल्यू बैटिंग बोलिंग दोनों से है और इसीलिए हमारी टीम का हिस्सा ये रहेंगे। इनके अलावा जो बाकी ऑलराउंडर्स हैं फिलहाल हम इनको नहीं पिक कर रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ सिनेरियो होता है जहां पर हम सैम करन एक्सेट्रा को हमारी टीम में पिक कर पाएंगे। चलते हैं आप बोलिंग सेक्शन में, यहाँ पर फर्स्ट प्लेयर जो हमारी टीम में रहेंगे वो है कगिसो रबाडा। हर फेज में बोलिंग कर सकते हैं, लास्ट गेम में भी जोबर्ग सुपर किंग्स के सामने इन्होंने 2 ओवर डाली, 1 विकेट वहां पर मिला था इनको, और डर्बन सुपर जायंट्स के सामने 2 विकेट पिक करे थे। इनकी विकेट्स अश्योर्ड होती है कहीं ना कहीं, पिछले साल भी 11 विकेट इन्होंने पिक करे थे और हाल ही में इंडिया के सामने भी जो टेस्ट सीरीज खेली थी वहां पर 5 पर लेकर आए। वर्ल्ड कप में भी जो खेला था ओडीआई वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर 2023 में वहां पर 13 विकेट थे इनके नाम, और हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर हम देखें इनका वर्सेस सनराइजर्स तो 2 मैच में 3 विकेट है। हम इन वेन्यू का नंबर अगर देखें रबाडा का, तो पहली बोलिंग करते हुए 7 इनिंग में 7 विकेट है एंड सेकेंड बोलिंग में 6 इनिंग में 7 विकेट। इन्हीं के साथ हमारी बेस्टी में रहेंगे बैट्समैन, जो कि पिछली गेम में काफी अनलकी थे कि इनके हाथों विकेट नहीं मिली, बट दे डेथ ओवर्स में डालते हैं और यहां पर विकेट लेने का इनके पास पूरा पूरा मौका होता है। पिछले साल ऐसे 20 के अमंग से टॉप परफॉर्मर्स में थे, 12 विकेट लेते इन्होंने 7 मैचेस में, और इनके पास एक रेपुटेशन है कि एक क्विक इंटरवल्स में विकेट लेते हैं, तो जब भी ये विकेट लेंगे तब देखना कि शायद 2-3-7 विकेट एक साथ लेकर जाएंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो इनके नंबर्स काफी अच्छे हैं, एमआई के सामने 2 इनिंग्स में इन्होंने लिए हैं 5 विकेट जिसमें से 1 3 पर शामिल है, तो अच्छे खासे डिफरेंशियल कैप्टनशिप ऑप्शन साबित हो सकते हैं। तो हमारी बेस टीम सेट है, अब देखते हैं सिनेरियो वाइज एनालिसिस और वहां पर देखते हैं हम किसको कहां पिक कर पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, पहला सिनेरियो जहां पर एमआई की आती है बैटिंग फर्स्ट, रायन रिकर्टन अपने साथ है और अब यहां पर हमें ऑप्शन है कि क्या हम ट्रिस्टन स्टब्स को बैक करेंगे। पिछले गेम में 26 बॉल में 55 बनाए थे डर्बन के सामने, स्पिन को अच्छा खासा खेला और लास्ट ओवर भी 190 रन बनाए थे। ट्रिस्टन स्टब्स की परफॉर्मेंस कैसी है चलो देखते हैं व्यू स्पोर्ट ऐप पर, क्योंकि यही खासियत है कि व्यू स्पोर्ट ऐप पे आपको सारी चीजें मिल जाती है एक ही जगह पर, 2-3 जगह पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप ऐप खोलोगे, अपकमिंग सेक्शन में जाओगे, वहां पर मैच पिक करके स्क्वाड में जाओगे, सनराइजर्स का स्क्वाड सिलेक्ट करोगे, ट्रिस्टन स्टब्स की परफॉर्मेंस आपके सामने है, 55 बनाए थे उसके पहले 20 थे, ये सारी रीसेंट परफॉर्मेंस आपके सामने है। इनके फॉर्मेट के नंबर्स आप देखोगे तो 33 मैचेस में 734 रन हैं, वर्सेस दी अपोनेंट आपके साथ नंबर्स हैं और वेन्यू के नंबर्स भी हैं। इनके परफॉर्मेंस से लोग कंपेयर करते हैं हम रॉजिंगटन के साथ, जो कि इसी टीम के प्लेयर हैं, और नंबर साफ दिखाते हैं कि ट्रिस्टन स्टब्स शायद एक बेटर पिक होंगे। अगर आप चाहो तो यहीं पर किसी और प्लेयर के साथ भी इनके नंबर्स कंपेयर कर सकते हो। तो चलते हैं बैटर्स में और देखते हैं कि क्या डेवॉल्व डेविस के सामने, बिकॉज दोनों सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर हैं, क्या डेवॉल्व डेविस के सामने इनके नंबर्स कैसे होते हैं। तो पिक करूंगा मैं यहां पर डेवॉल्व डेविस को और आपके सामने नंबर्स आ जाएंगे, एंड ये क्लियर कंपेरिजन है वंस अगेन कि दोनों बराबरी के प्लेयर्स हैं। बस एक चीज है कि डेवॉल्व डेविस इस वेन्यू पर ज्यादा गेम्स खेले हैं एंड वो शायद उनके लिए एक अच्छी एडवांटेज हो सकती है, बिकॉज उनकी एवरेज आप देखोगे इस वेन्यू पर है 41 की वर्सेस 28 की जो ट्रिस्टन स्टब्स की। तो फाइनल कॉल आपका होगा कि ट्रिस्टन स्टब्स की तरफ जाना है कि ब्रेविस को, वो हम कॉल आपकी तरफ रखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों बैटिंग सेक्शन में और यहाँ पर हम 2 प्लेयर्स ऑलरेडी पिक कर चुके हैं, वैन डरसन और टॉम एबल, तो इन्हीं के साथ जाएंगे। इसके बाद आती है ऑलराउंडर सेक्शन और यहाँ पर माकरम है हमारी टीम में, हमारी टीम में है लिविंगस्टोन, हमने बैक करा है यानसेन को भी, और इन्हीं 3 ऑलराउंडर्स के साथ हम जाएंगे। इनके बाद आते हैं हम बोलिंग सेक्शन में और यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी एक ऑप्शन है कगिसो रबाडा का और बैट्समैन का, और अब इसके साथ हमारे पास ऑप्शन बन जाता है कि हम वॉल को पिक करें, जो कि एक अच्छे खासे ऑल फेजेस के बोलर है। पिछले गेम में भी अच्छी खासी बोलिंग लगी थी पहली ओवर में, बाद में थोड़ा सा एक्सपेंसिव साबित हुए थे, पर 2 विकेट इनके हाथ लगे थे। 100 जो हुआ था 2023 का वहां पर भी हाईएस्ट विकेट टेकर थे लंदन स्पिरिट के लिए, 9 विकेट वहां पर चटकाए थे। अगर आप चाहो तो डैनियल वॉरन की कंपैरिजन जो है आप वो किसी और के साथ भी कर सकते हो, एंड वहां पर सेम सेक्शन है जैसे हमने बताया था, व्यू स्पोर्ट ऐप पर चले जाओ, प्लेयर को सिलेक्ट करो और इनकी कंपैरिजन आप सेट कर लो। तो ये थे दोस्तों हमारी जो यहाँ पर हमने पिक करा हुआ है 10 मेंबर टीम, और जो 11th प्लेयर का ऑप्शन है वहां पर आप मल्टीपल चॉइसेस जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वहां पर आप पिक कर सकते हो। तो चाहे आपको एक एडिशनल बैटर पिक करना हुआ एमआई से तो ब्रेविस का ऑप्शन है, आप चाहो तो एक्स्ट्रा बोलर भी पिक कर सकते हो, फाइनल कॉल आपका होगा। जॉर्ज लिंडे को मत भूलिएगा, हमारी तरफ से जॉर्ज लिंडे ऐसे अच्छे खासे डिफरेंशियल होंगे जो इस सिनेरियो में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो जो 11th प्लेयर वाला स्लॉट है उसके ऑप्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपके पास ऑप्शन है डेवॉल्व ब्रेविस का अगर आप चाहो तो, या फिर जॉर्ज लिंडे भी स्पेशली बोलिंग सेकंड करेंगे तो एक अच्छे खासे पिक यहां पर।
हो सकते हैं। नेक्स्ट सीनियर देखते हैं जहां पर आती है एमआई की बोलिंग फर्स्ट। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में हम रिकर्टन के साथ ही रहेंगे, बैटिंग सेक्शन में भी अपने पास है टॉम एबल और अपने पास है वैन डरसन, इनको हम बैक करेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में आएंगे तो अपने पास है माकरम लिविंगस्टोन और मार्को यानसन, और अब इनके साथ हो जाएंगे सैम करन जो कि पिछले गेम में सुपर किंग्स से हमने एक विकेट लेकर आ रहे हैं, डेथ में बोलिंग करते हैं ये एंड हेंस हमारी टीम का हिस्सा रहेंगे। डर्बन सुपर जायंट्स के सामने भी इन्होंने एक विकेट पिक करा था और एक कंसिस्टेंटली आपको कुछ 25-30-50 पॉइंट देकर ये जाते हैं। आप देखो वेस्ट इंडीज ने जो लास्ट मंथ परफॉर्म किया था वहां पर भी इनको 6 विकेट हाथों लगी थी एंड बैटिंग के थ्रू भी आपको क्विक फायर रन दे सकते हैं। सनराइजर्स ईस्टर्न केप के जो बैटर्स हैं वो लेफ्ट आर्म पेस पे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। रॉजिंगटन के नंबर्स आप देखो तो 20 इनिंग में 4 बार आउट हुए हैं लेफ्ट आर्म पेस पे बट एवरेज है 41 का। टॉम एबल 14 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं लेफ्ट आर्म पेस पे, एवरेज है 23 का। हर्मन के 4 इनिंग में 2 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, एवरेज वहां पर 6.5 का है। एंड ट्रिस्टन स्टफ भी 6 इनिंग में 2 बार लेफ्ट आर्म पेस पे आउट हुए हैं, एवरेज है 18 का। तो ये एक ऑप्शन है दोस्तों सैम करन का जो आप पिक कर सकते हो एज योर नाइन्थ प्लेयर। तो आते हैं बोलिंग सेक्शन में, यहाँ पर अपने पास रबाडा है, अपने पास है बैटमैन और अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम एमआई के डेथ बोलर या एमआई के एक और बोलर को यहाँ पर बैट करें। तो सबसे पहला ऑप्शन होता है यहाँ पर ब्यून हेंड्रिक्स का जो कि लेफ्ट आर्म पेसर है सुपर किंग्स के सामने। आप देखोगे एक विकेट इन्होंने पिक करा था, डर्बन सुपर जायंट्स के सामने भी विकेट था और इसके पहले इंडिया के सामने जो ओडीआई सीरीज खेली वहां पर 5 विकेट पिक करे थे इन्होंने 2 मैचेस में। अच्छा खासा फर्स्ट क्लास का इनका रिकॉर्ड भी रहा है और इस वेन्यू पे आप देखोगे बोलिंग फर्स्ट 5 इनिंग में इनके नाम है 8 विकेट एंड बोलिंग सेकंड है 10 इनिंग में 18 विकेट। पर यहीं पर आपके ऑप्शन है एमआई से ऑली स्टोन को भी पिक करने का जो कि पिछले गेम में भी 2 विकेट लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों आते हैं कंपेयर करते हैं इन दोनों प्लेयर्स को, देखते हैं कौन आता है बेटर और किसकी परफॉर्मेंस आती है सबसे पहले बेटर। तो हम सबसे पहले जाएंगे व्यू स्पोर्ट ऐप पर, वहां पर जाएंगे इस गेम पे, फिर उसके बाद जाएंगे हम एक टैप में जो कि है प्लेयर कंपेरिजन। बोलिंग सेक्शन में जाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हेंड्रिक्स को और अब इनकी कंपेरिजन करेंगे ऑली स्टोन के साथ। आपको यहाँ पर साफ नजर आएगा कि दोनों प्लेयर्स में अंतर ज्यादा नहीं है। ये है इनके बैटिंग के नंबर्स, अब देखते हैं बोलिंग वाले नंबर्स। तो ब्योरन हेंड्रिक्स आप देखोगे 36 मैच में 41 विकेट ले चुके हैं, ऑली स्टोन 28 मैच में 41 विकेट ले चुके हैं। दोनों की बोलिंग स्ट्राइक रेट देखोगे तो हेंड्रिक्स की है 18 की और ऑली स्टोन की है 14 की। पर सबसे महत्वपूर्ण बात इस वेन्यू पर आप नंबर्स देखोगे तो हेंड्रिक्स 4 मैचेस में यहाँ पर 5 विकेट ले चुके हैं जबकि ऑली स्टोन यहाँ पर 2 मैच में 7 विकेट ले चुके हैं। तो आपको हेंड्रिक्स को बैक करना है कि ऑली स्टोन को, ये प्योर पूरा कॉल आपका है। पर इसी तरीके से व्यू स्पोर्ट ऐप पे आपको जब भी कोई प्लेयर के बारे में कंफ्यूजन हो आप उनको ऐसे कंपेयर करके चेक कर सकते हो कि कौन से प्लेयर को बैक करना बेटर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी सिनारियो वाइज एनालिसिस और हमने देख लिया कि दोनों सिनारियो में हम किसको कहां बैक करेंगे। इस गेम की फाइनल फैंटेसी टीम आपको मिल जाएगी व्यू स्पोर्ट ऐप पर, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप व्यू स्पोर्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हो। एंड व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही आपको मिलेगा SA20 का सीजन पास मात्र 249 रुपीज में। आपको SA20 की सारी गेम्स की फाइनल फैंटेसी टीम जो है वो यहीं पर मिल जाएगी। अगर आप बाकी गेम्स भी खेलते हो और आपको सारे गेम्स की फाइनल फैंटेसी 11 चाहिए, चाहे वो मेंस हो, वुमेन्स हो, T10 हो, T20 हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, तो मंथली पास भी ले सकते हो जो केवल 599 का है। और जिनको पूरे साल भर की टेंशन नहीं चाहिए तो हमारे एनुअल पास पे भी ऑफर चल रहा है मात्र 2,999 रुपए में। आपको पूरे साल का 365 डेज के जितने भी गेम्स होते हैं उन सारे गेम्स की फाइनल फैंटेसी टीम मिल जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं इस गेम के क्या बनते हैं हमारे सेफ कैप्टनसी ऑप्शंस। तो यहाँ पे एडन माकरम, मार्को यानसन, वैन डर डसन और कगिसो रबाडा, ये 4 प्लेयर्स हैं जिनको हम बैक करेंगे एज सेफ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइसेस फॉर दिस गेम। डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करें तो यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे लियाम लिविंगस्टोन को, रायन रिकल्टन को और बैटमैन को। बैटमैन स्पेशली जब वो बोलिंग फर्स्ट कर लो। SA20 का हमारा पिछला गेम जो है वो भी धमाकेदार रहा था, आपको याद है रॉयल्स वर्सेस कैपिटल्स का गेम था और वहां पर व्यू स्पोर्ट की AI जनरेटेड टीम ने कितने पॉइंट्स बनाए, 780 पॉइंट्स बनाए थे। उसके पहले आपने देखा होगा कि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान वाला मैच भी हुआ था जहां पर स्वीप दिया 699.5 पॉइंट्स के साथ। इसके अलावा कल का जो BBL का मैच था स्टार्स बनाम हरिकेन्स, वहां पर भी लग रहा है कि क्लीन स्वीप हुई है, 770 पॉइंट बने। ये मैच जस्ट अभी खत्म हुआ है, इसमें भी क्लीन स्वीप। तो व्यू स्पोर्ट की AI जनरेटेड टीम बैक टू बैक आपको तगड़ी परफॉर्मेंसेस दे रही है। तो अपना SA20 का पास या मंथली पास बुक करना मत भूलिएगा और जिनको नहीं चाहिए टेंशन तो आप एनुअल पास लेके काम रफा दफा करो और शांति से हर गेम की फैंटेसी टीम पाओ केवल व्यू स्पोर्ट पे। तो ये था हमारा प्रीव्यू फॉर दिस गेम। इसके अलावा कई सारे गेम्स होने वाले हैं कल भी परसों भी, तो सभी गेम्स की फाइनल फैंटेसी टीम्स प्रीव्यू सब कुछ मिलेगा व्यू स्पोर्ट ऐप पे। डाउनलोड करना और यूज करना व्यू स्पोर्ट ऐप को, चाहे वो स्टैट्स के लिए हो, एनालिसिस के लिए हो, चाहे वो हो फाइनल फैंटेसी 11 के लिए। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।